नमस्ते स्ट्रेंड्स, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 21 के बारे में बात करी थी। हम लोग राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आर्टिकल 19, 20 एंड 21 स्टडी कर लिया है। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमारा। अब हमारा लास्ट जो आर्टिकल है इसके बारे में बचा है आर्टिकल 22, जो कंसिस्ट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अर्थात गिरफ्तारी और निरोध अथवा कैद से संरक्षण। आर्टिकल 22 उन लोगों को मूल अधिकार प्रदान करता है जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए लोग हैं वो भी तो व्यक्ति ही हैं, तो उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। तो ऐसे ही गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में आर्टिकल 22 बात करता है। आर्टिकल 22 के प्रोविजंस पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें, देखिए गिरफ्तारियाँ जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। और इसे कहा जाता है निवारक निरोध। तो गिरफ्तारी आपकी दो तरीके की हो गई। तो जो पुनिटिव रिटेंशन होती है, यानी कि जो दंडात्मक निरोध होती है, वो सामान्य गिरफ्तारियां होती है, नॉर्मल अरेस्टिंग होती है, जिसमें कि कोई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की है, डकैती करी है, ठीक है, और उसको या फिर किसी कानून का उल्लंघन करा है और उसको कानून के अनुसार उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, निवारक निरोध होता है, उसके तहत किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए ही केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि उस अपराध को होने से रोका जा सके। ठीक है, तो निवारक निरोध, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है ना, निवारण करना, किस चीज का निवारण करना, अपराध का निवारण करना, अपराध हो उससे पहले ही उसका निवारण करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति को, जो जिस पर शक होता है ये व्यक्ति गिरफ्तार किया जाने वाला है, सॉरी ये व्यक्ति जो है वो अपराध करेगा, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गिरफ्तारियां दो तरीके से हो गई। अब हमारा आर्टिकल 22 जो है, इन दोनों ही विधियों के अधीन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। इस आधार पर हमने आर्टिकल 22 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22(1) से लेकर आर्टिकल 3rd, मतलब आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लोज से लेकर 3rd क्लोज की। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 के 4th क्लोज से लेकर 7th क्लोज की। इस तरह से ये 7 खंड है आर्टिकल 22 में, जो इन लोगों के इसको संरक्षण प्रदान करते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 क्लोज 1st की। आर्टिकल 22 का क्लोज 1st चूंकि सामान्य गिरफ्तारी की बात करता है, तो सामान्य गिरफ्तारी के अधीन जो जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। फर्स्ट तो रीजन, नो अबाउट रीजंस फॉर अरेस्टिंग, यानी कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। जिन व्यक्तियों को दंडात्मक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया है, उन व्यक्तियों को रीजन जानने का अधिकार होता है, कारण जानने का अधिकार होता है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा उनके अधिकार की बात करता है कि उन व्यक्तियों को अपना जो पसंद का एडवोकेट होता है उसकी ओपिनियन लेने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 22 का फर्स्ट जो क्लोज है वो दो राइट प्रदान करता है उन व्यक्तियों को जिनको सामान्य रूप से गिरफ्तार किया गया है। पहला तो उनको रीजन जानने का, रीजन ऑफ अरेस्टिंग, उनको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। दूसरा उनको अपने जो भी उनका मनपसंद वकील है, एडवोकेट है, उससे ओपिनियन लेने का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 क्लोज 2 की। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 ये प्रोविजन करता है कि इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति को विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। जिस व्यक्तियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि यदि उस व्यक्ति को पेश किया नहीं जा सकता, या मान लीजिए मजिस्ट्रेट नहीं है, तो उस व्यक्ति को उसके 24 घंटे बाद जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा।
ठीक है, और जब भी अवेलेबल हो पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। इसके अलावा यदि मान लीजिए उस पर्सन को विदिन 24 आवर्स अगर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश करना है और उस दौरान ले जाने की जो समयावधि है अगर वो ज्यादा एक्सीड हो गई है, बहुत लंबी है, तो इन 24 आवर्स में से वो जो ट्रेवलिंग टाइम है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में उसको लगा है उसको हटा दिया जाता है, उसको हटा के इन 24 घंटों की गणना की जाती है। एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए जिसको, क्योंकि उसको राइट है कि वो एडवोकेट रख सकता है, उससे ओपिनियन ले सकता है, यदि कोई पर्सन एबल नहीं है कि वो अपने लिए वकील उपलब्ध करवा सके तो उस व्यक्ति को राज्य का ही कर्तव्य है कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सरकारी वकील मुहैया करवाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इन दोनों आर्टिकल्स के, इस आर्टिकल 22 के इन दोनों क्लोजेस के संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 22 क्लोज 3 की। आर्टिकल 22 क्लोज 3 इन दोनों का एक्सेप्शन कि ये कहता है कि आर्टिकल 22 क्लोज 1 मतलब क्लोज 1 और क्लोज 2 में जो राइट्स बता रखे हैं उन वो राइट्स निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरह से दो इसमें सब हेडिंग्स आती है किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे, एक तो एलियन एनिमीज को जो विदेशी शत्रु या शत्रु देश के व्यक्ति है उनको प्राप्त नहीं होंगे, इसके अलावा उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे जो निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। पर्सन्स हू डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, तो इस तरह से विदेशी जो शत्रु है मतलब शत्रु देश के जो व्यक्ति है उनको प्राप्त नहीं होंगे ये दोनों राइट्स क्लोज फर्स्ट और सेकंड के, और इसके अलावा उन व्यक्तियों को जो निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार किए गए हैं उन व्यक्तियों को ये दोनों अधिकार अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि उनको ना तो राइट बताया जाएगा, ना एडवोकेट से ओपिनियन लेनी होगी, ना उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, इन दोनों अधिकारों का ये लोग दावा नहीं कर सकते। तो इस तरह से आर्टिकल 22 का क्लोज 3 क्लोज फर्स्ट और सेकंड को एक्सेप्शन बताता है। तो अब ये प्रोविजन जो थे जो क्लोज 1 से लेकर 3 तक थे वो प्रोविजन तो थे बेटा जनरल अरेस्टिंग के बारे में मतलब सामान्य गिरफ्तारी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 22 के क्लोज 4 से लेकर 7 तक के बारे में जो किसके बारे में बात करते हैं, निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं जिन व्यक्तियों को निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 22 क्लोज 4 की। आर्टिकल 22 क्लोज 4 कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है अधिकतम मैक्सिमम उनको 3 महीने तक डिटेन में रखा जाएगा, उन 3 महीने तक उनको गिरफ्तारी के तहत उनको 3 महीने तक रखा जा सकता है, और इस 3 महीने की समयावधि को एडवाइजरी बोर्ड द्वारा यानी कि जो सलाहकार बोर्ड है एडवाइजरी बोर्ड द्वारा रिकमेंड किए जाने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने की जो समय अवधि है ये एडवाइजरी बोर्ड द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है, बाकी अधिकतम उसको 3 महीने तक निरोध में रखा जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है आर्टिकल 22 क्लोज 5 की। देखिए, साथ एक चीज और है जो इस चौथे खंड में कही गई है, वो ये कही गई है कि पार्लियामेंट जो है वो स्पेशल लॉज अगर बनाती है मतलब निवारक निरोध कोई कानून कोई विशेष कानून बनाती है निवारक निरोध से संबंधित जो जितनी समयावधि चाहे वो उसमें विहित कर सकती है, फिर ऐसी समयावधि जो उस कानून में विहित की जाएगी वहां पर 22 का खंड 4 लागू नहीं होगा, अर्थात वहां पर ये 3 महीने वाले समयावधि का कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट ने जो समयावधि उस पर्टिकुलर निवारक निरोध कानून में डाली है वही समयावधि लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज 5 जो है वो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है उसे भी रीजंस बताए जाएंगे, किस चीज के अरेस्टिंग के, उसे भी अरेस्टिंग के कानून वो बताए जाएंगे कारण कि क्यों अरेस्ट किया है, वो भी एडवोकेट से ओपिनियन ले सकता है मतलब उसको भी अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो इसके खिलाफ जाए, तो एडवोकेट से वो रिकमेंडेशन ले सकता है, रीजंस वो जान सकता है, साथ ही साथ
आर्टिकल 22 का क्लोज 6 ये कहता है कि वो अथॉरिटी जिसने उस पर्सन को निवारण निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया है, यदि उस अथॉरिटी को उचित लगता है, वो ये समझे कि उस व्यक्ति को ये रीजंस बताना, ये जो राइट दे रखे हैं क्लोज 5 में, ये प्रोवाइड करवाना उचित नहीं है, तो वो उसको कारण ना भी बताए। मतलब अगर वो अथॉरिटी को लगता है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को जिसको निवारक निरोध कानून के तहत अरेस्ट किया गया है, उसको सामाजिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में, राष्ट्र हित में, देश की एकता अखंडता को देखते हुए या देश के हित में, अगर उसको रीजंस नहीं बताने हैं तो वो उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 22 के क्लोज 7 की, जो पार्लियामेंट की पावर की बात करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, संसद की शक्ति की बात करता है। ये दो विषयों के बारे में बात करता है। पहला तो ये बताता है कि संसद को ये शक्ति है कि वो कोई किसी विशेष प्रकार का निवारक निरोध संबंधी कोई स्पेशल कानून बना सकती है, स्पेशल लॉज बना सकती है, और जो स्पेशल लॉज वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में बनाएगी, उसमें वो अपने अकॉर्डिंग जैसा संसद को लगे वैसी वो अवधि डिसाइड कर सकती है कि किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निरोध में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कानून में जैसे 1 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाए, लाइक जैसे हम निवारक निरोध अधिनियम की बात करते हैं जिसमें, या मीसा की बात करते हैं, इनमें 1 वर्ष का प्रोविजन था कि भाई 1 वर्ष तक आप किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार करो और उसको रख सकते हो आप अरेस्ट करके। तो कहने का मतलब है संसद अपने अकॉर्डिंग उसमें, उस कानून में डाल सकती है। फिर वहां पर संसद अगर कोई ऐसा स्पेशल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाती है तो वहां पर 22 का क्लोज 4 जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद साथ ही साथ ये पावर भी पार्लियामेंट को है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड की क्या प्रोसीजर होगी क्लोज 4 के संदर्भ में, वो प्रोसीजर भी पार्लियामेंट बता सकती है। पार्लियामेंट ही विहित करेगी कि सलाहकारी बोर्ड जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएगा। ठीक है, अब देखिए एडवाइजरी बोर्ड क्या होगा। तो देखिए एडवाइजरी बोर्ड जो है हाई कोर्ट के जज या जजेस से, जो रिटायर्ड जजेस या सिटिंग जजेस है, उनसे मिलकर बनाया जाएगा एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, मैंने कुछ ये तो हुआ आपका आर्टिकल 22। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे लिखे हैं जो 22(7) में जो पावर दे रखी है उस पावर का यूज करके संसद ने बनाए कुछ निवारक निरोध कानून है, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 ये बनाया गया था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है 1971 जो ये मीसा जिसे हम कहते हैं ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो बनाया गया। आतंकवाद से और आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे ये आपका टाडा और कोटा बनाया गया, आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधि अधिनियम है, आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 है, ये बनाए गए थे उस समय। एक है आपका रासुका का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो अध्यादेश द्वारा लाया गया, जिसे फिर बाद में 1981 में फिर आपका ये संसद का रिकमेंडेशन प्राप्त हो गई और ये अधिनियम बन गया। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि निवारक निरोध कानून का जो कि जो पावर को बनाने संबंधी जो संसद की पावर है उसका यूज करते हुए संसद ने बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो 22(4) वाला जो 3 महीने का प्रोविजन है वो इनके संबंध में अप्लाई नहीं होता, एटसेट्रा, और भी बहुत से कानून है। तो ये था हमारा आर्टिकल 22 जो उन व्यक्तियों को अधिकार प्रदान कर रहा था जिनको गिरफ्तार किया जाता है दो तरीके से, या तो सामान्य गिरफ्तारी की जाती है या फिर उनको निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा राइट टू फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो समाप्त होता है। आर्टिकल 19 से 22 वो इंक्लूड करता था। अब हम लोग आगे अगले लेक्चर में आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।